हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेंगे। इस वीक के लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा रिएक्ट कर सकता है इस वीक, तो चलिए पहले निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस वीक के लिए, तो वीकली चार्ट है ट्रेडर्स, वीकली टाइम फ्रेम में हमने ओपन किया हुआ है। तो अगर देखेंगे ट्रेडर्स, ये अपर साइड में एक लेवल है 18,800 के आसपास का जो एरिया है, रेजिस्टेंस की तरह अच्छा वर्क कर रहा है। बार बार जैसे ही यहाँ पर आता है निफ्टी, तो एक रिजेक्शन फेस करता है। अगर देखेंगे 3 बार इस एरिया के पास आकर रिजेक्शन फेस कर चुका है। फर्स्ट टाइम इस यहाँ पर, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम यहाँ पर अगेन यहाँ पर आकर ही रिजेक्शन फेस कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे रिजेक्शन कैंडल भी बनाया हुआ है, तो हो सकता है इस वीक भी हमें थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है और 18,000 के आसपास तक निफ्टी आ सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पर जो सिनेरियो बना है, उससे निफ्टी मुझे इस वीक में थोड़ा सा नेगेटिव बेयरिश देखने को मिल रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पर एक बार चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए ट्रेडर्स, डेली टाइम फ्रेम पर भी बेयरिश नज़र आ रहा है। अगर देखेंगे यहाँ पर कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो बनाता हुआ जा रहा था, फिर अगेन यहाँ पर देखेंगे तो रिजेक्शन फेस किया हुआ है। एक बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पर बनी हुई है और उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यू किया है, ब्रेकआउट दिया है कैंडल ने डाउन साइड पे। तो इसका फर्स्ट टारगेट 18,400 होगा और नेक्स्ट टारगेट जो होगा हमारा 18,200 के आसपास का होगा। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हम देख लेंगे ट्रेडर्स की कल के सेशन में कैसे ट्रेड प्लान, मंडे के सेशन में कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखेंगे ट्रेडर्स की फ्राइडे भी सेशन में बहुत अच्छा सेल ऑफ देखने के लिए मिला है, तो हो सकता है कि मंडे के सेशन में थोड़ा गैप डाउन देखने के लिए मिल सके। ये देखिए ट्रेडर्स, मैं इसमें आपको बता दूं यहाँ पे 18,580 का जो लेवल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसे फ्राइडे के सेशन में ब्रेक किया निफ्टी ने। अब अगर देखेंगे 520 तक निफ्टी आ सकता है। अगर फ्लैट ओपन होता है यहाँ पे 567 या 560, 580 या 560 की रेंज में ओपन होता है, ब्रेक करता है, तो हमें 520 और 480 के लेवल देखने के मिल सकता है निफ्टी में मंडे के सेशन में। और बाइंग साइड में हम अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि ये जो पूरा सिनेरियो बना हुआ है वो बेयरिश बना हुआ है। मुझे लगता है मंडे के सेशन में भी बेयरिश ही हमें देखने के लिए मिल सकता है निफ्टी। तो जैसे ही फ्लैट ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन होगा तो 520 के एरिया के आसपास हम देखेंगे। अगर कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा तो 480 के लिए ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम छोड़ देंगे, अवॉइड करेंगे ट्रेड को। अगर फ्लैट ओपन होता है 560 के लेवल पर निकालता है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा 520 और सेकेंड टारगेट हमारा 480 का होगा निफ्टी में। तो ये लेवल निफ्टी में आप नोट कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी देख लेते हैं ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी कैसा रिएक्ट कर सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं वीकली चार्ट क्या कह रहा है। अगर देखेंगे ट्रेडर्स यहाँ पर कि प्राइस एक्शन जो था वो बाइंग साइड में बना हुआ था, इसमें भी थोड़ा सा रिजेक्शन हमें देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया था निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने, ये देखेंगे यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट के बाद अच्छा अपना देखने के लिए मिला था, फिर से एक रिट्रेसमेंट आया, फिर अपर साइड का मूव देखने के लिए मिला, फिर से अगर आप देखेंगे पुल बैक आया, फिर अपसाइड मोमेंटम। बट अगर आप देखेंगे ये हाई और ये हाई सेम है, एक ही एरिया के पास आकर लगा हुआ है, कुछ खासा ज़्यादा मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिला। जो ऑल टाइम हाई था उससे थोड़ा सा 200-300 पॉइंट अप मूव गया होगा बैंक निफ्टी, उसके बाद से फिर से रिएक्शन देखने के लिए मिला है। अगर मंडे के सेशन में इस कैंडल को कंटिन्यू करता है तो हमें एक और सेलअप देखने के लिए मिल सकता है, जो बैंक निफ्टी को इस कैंडल के हाई, मुझे लगता है ये वाला जो एरिया हमारा कैंडल का हाई है 43,078 का, मतलब 43,100 के
आज हमें इस वीक में देखने के लिए मिल सकता है। बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पर हम देख लेते हैं ट्रेडर्स कौन कौन से लेवल हो सकते हैं इंपॉर्टेंट मंडे के सेशन के लिए। ये देखिए ट्रेडर मंडे यहाँ पर भी अगर देखेंगे यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था बैंक निफ्टी में, उसके बाद एक मोमेंटम दिखाया, फिर हायर हाई हायर लो बनाता हुआ अपसाइड मोमेंटम किया। अब देखेंगे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है बट थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न क्रिएट कर रहा है। अगर इसे कंटिन्यू करता है ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट 43,500 और सेकेंड टारगेट आपका 43,000 होगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखेंगे मंडे के सेशन में कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कौन कौन सा लेवल हमें इम्पोर्टेंट हो सकते हैं इंट्राडे के लिए। ये देखिए ट्रेडर्स अगर फ्राइडे के सेशन में देखेंगे तो यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बना हुआ था बैंक निफ्टी में, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिला हमें यहाँ पर, लेकिन उसके बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखा, कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट नीचे को दिखा और एक अच्छा फॉल हमें मार्केट में देखने के लिए मिला। अब अगर करंटली देखेंगे तो इस एरिया के पास आकर बैंक निफ्टी रुका हुआ है और यहीं पर आकर कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि एक सपोर्ट लेवल है 43,950 से लेकर 43,900 का। अगर इसे ब्रेक कर देता है ट्रेडर्स 43,900 को ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड की तरफ देखने के लिए मिल सकता है, बट अगर यहीं से रिवर्स कर देता है तो हमारा जो लेवल होगा जहां तक हम बाइंग साइड में लेके जा सकते हैं वो होगा 44,200 के आसपास का, क्योंकि यहाँ पे हमें रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में हम बीयरली हमारा जो व्यू है वो बीयरिश है, बट बैंक निफ्टी में एक अपना हमें देखने के लिए मिल सकता है। अगर कंसोलिडेशन के बाद ऊपर को निकलता है बाइंग साइड के लिए तो हम एक पोजीशन क्रिएट करेंगे, फर्स्ट टारगेट जो होगा हमारा वो होगा इस लेवल के आसपास का जहाँ पर ब्रेकआउट दिया 44,100, सेकेंड टारगेट होगा 44,200 का। और अगर 43,900 के लेवल को निकालता है तो हमें डाउन साइड में एक मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 43,850 और नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 43,800। तो ट्रेडर्स इन लेवल्स को नोट करके रख लीजिएगा, ये आपके मंडे के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।